कमिश्नर साहब के पास, मैंने बताया पहला उनको कि सिटी के अंदर नोटिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट मेन रोड बोल रहे अनुभव मंडप बनाते, बसों कल्याण को टूरिज्म बनाते, तो ये टूरिज्म बनाने से पहला आप क्लीन सिटी बनाने की पहले कोशिश करो, पोल्यूशन फ्री सिटी बनाओ, आप प्लांटेशन लगाए डिवाइडर के अंदर, ऊपर लगाए नीचे नहीं, किस फंड में लगाए बोर्ड लगाओ, और वहाँ टेक्निकल रिपोर्ट लो बोल के मैंने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद 12 करोड़ रुपए सीएमसी का टैक्स बाकी है, 12 करोड़ रुपए अभी टीएमसी का फंड्स टैक्स का कलेक्शन करना है। और नगरोत्थाना में हम लोग सिटी के अंदर जब जेडीएस और कांग्रेस दोनों का हुकूमत जब था, जब हमने 21 करोड़ रुपए नगरोत्थाना में काम दिए थे, मेन रोड पे फुटपाथ बनाने का, डिवाइडर लगाने का, उसके बाद हेरिटेज लाइट लगाने का और हेरिटेज चेयर्स लगाने का, अभी तक वो चालू नहीं हुआ तो वो बात करने के लिए हम लोग आए। और साथ साथ जो बसवा कल्याण सिटी के अंदर जो पानी का वाटर फिल्टर्स पिटाए आगे एक वार्ड में, वो अभी चालू नहीं है, हमने हमारे हाथ पे दिए सोता है HKRD फंड में, मैंने 12 वार्ड को हर एक वार्ड में पानी फिल्टर वाटर का पूरा किट बिठाए सो है, अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुए, ओपनिंग भी नहीं हुई। उसके बाद बसवा कल्याण में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड कचरा रहता, कचरा जो डंप होता है, अभी बसवा कल्याण अनुभव मंडप बन रहा है बोल के बात बता गए, बसवा कल्याण को सिटी में 100 करोड़ रुपये खर्चने का है बोलते, लेकिन वहाँ जिस जगह में एरिया में कचरा कहाँ कहाँ फेंकना है, कहाँ फेंकने के लिए जगह है, उसका कहीं भी अभी क्लियरिटी नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम बंद है, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी कहीं भी काम स्टार्ट नहीं है। साथ साथ 24/7 पानी का भी काम हो गया, आधा काम हो गए, आधा काम नहीं हुआ, कितना होना चाहिए, किस एरिया में अभी पानी मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बोल क्या है नगरोत्थाना का पूछने आया कमिश्नर साहब, बोलते मेरे पास रिपोर्ट नहीं है जी, बीदर में रिपोर्ट है, तो सीएमसी शिफ्ट करो बीदर को या बीदर का ऑफिस को शिफ्ट करो। यहाँ बड़ी दुख की बात है, उनके पास कमिश्नर जी के पास ही रिपोर्ट नहीं है बोलते, तो उनको बीदर भेजो या बीदर को बसों के लेने लाओ। कभी मेरे को दुख लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस ऑलरेडी आप देखे कि पीने का पानी का प्रॉब्लम है, मोटेशन जहाँ खाता का प्रॉब्लम है, मोटेशन की प्रॉब्लम है, और एक घर का जो परमिशन दे गए, मेरे को लोग बताते कि 50,000 रुपये लेके परमिशन दे गए, मैं इनको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कौन ले गए, कहाँ ले गए, थोड़ा उसके ऊपर इन्हों भी निगाह रखन दे, क्योंकि हर एक आदमी बोल रहा जो खाता देने का है 5,000 रुपये खाते का फिक्स रेट, अब 2,000 ऑनलाइन खाते का रेट, तो हमने थोड़े वॉइस रिकॉर्ड भी मंगाए, हम इनको रिक्वेस्ट करें कि कुआ नीचे वाले कर गए उसके ऊपर अलर्ट रहो, बाद में हम कॉल रिकॉर्डिंग के साथ डिटेल के साथ हम देंगे। प्लस झाड़ का बोलो और कचरा एल्ला कड़े रोड के ऊपर, मेन रोड ये बोल गए अनुभव मंडप बनाते, मेन रोड के ऊपर MLA घूमता, तहसीलदार घूमते, AC घूमते, कमिश्नर घूमते, देखो ना कितना गंदगी है, वो जब साफ नहीं कर गए तो गलियों के अंदर कितना रहता है। प्लस हर एक वार्ड में वार्ड नंबर का बोर्ड होना, और उस एरिया में सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन, उस एरिया में कॉर्पोरेटर का नंबर, उस एरिया में म्यूनसिपालिटी के पानी वाले का नंबर, हर जो एसेंशियल जो भी उनके थिंग्स हैं उस एरिया में जो काम जरूरत पड़ता है सबके नंबर, क्लीन करने वाले उस एरिया में कौन क्लीन करते, किन को फोन करना, कौन सा इंस्पेक्टर को फोन करना, तो कहीं ना कहीं ये हम आज रिक्वेस्ट करने आए हैं। बाद में हम लोग हमारा हिसाब से खत लिखेंगे और स्ट्राइक करेंगे, एक ही रास्ता है, 6 महीना हो गए उन्होंने भी आके, हमने उनको भी कुछ बताया नहीं, तो आज ये पूछेंगे बताएंगे। बसवा कल्याण का स्थिति बहुत दिन ब दिन बिगड़ रहा है, और वाटर फिल्टर का भी नहीं हुआ, और जो बीदी व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी है उन लोगों को स्कीम है, उनका मीटिंग होना,
और उनको और नया प्रपोजल होना और नए लोग उसके अंदर ऐड होना। तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी के अंदर बिल्डिंग के अंदर भी देखा मैं कहीं स्कीम नए, मैं कहीं सबसे बम्बई साहब का सरकार और ये MLA ये मंत्री इनका कुछ ना फोटो है ना इनका स्कीम है, कोई कुछ भी नहीं है। यह भी पुराने जमाने का चल रहा, 1947 में जैसा म्यूनसिपालिटी था उस तरीके का है, कहीं बोर्ड नहीं देखा मैं आपको बता तो देखो तो सर आप देखो कोड ऑफ कंडक्ट करने स्कीम को कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है। जो आपके पास स्कीम है सरकार का उसको कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट कहा आता है, मंत्री का फोटो लगते तो कोड ऑफ कंडक्ट, मंत्री का फोटो जरूरत ही नहीं है आपको। आप देख लो आप जाके तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब देखो आप मेरे को आज ही कहीं एक वार्ड में कौन आज क्लीन कौन सा वार्ड हो गए एक वार्ड का मेरे को लिस्ट दो। ये वार्ड में ये आदमी क्लीन किया, ये वार्ड में ये आदमी पानी के ऊपर देखा, ये वार्ड में इस तरीके का गंदगी के ऊपर मॉनिटरिंग करा, बल्कि आप किसी एक वार्ड चार वार्ड का रिपोर्ट मंगाओ।